So there are a lot of people who ask that how do you plant the banyan tree? जो बड़ का पेड़ होता है वो कैसे आप प्रोपगेट कर सकते हैं स्टेम कटिंग से? तो सबसे गोल्डन रूल होता है पेंसिल, पेंसिल की थिकनेस का स्टेम कटिंग लीजिए आप, ठीक है? इट शुड बी अ वुडी एरिया, जो लकड़ी जो ब्राउन जैसे हो जाती है लकड़ी, है ना, जो उसको लीजिए, जो सख्त हो जाती है लकड़ी, उसकी आप पेंसिल के लेंथ की 10 इंची या इस तरह से आप उसकी कटिंग कीजिए, राइट, दोनों साइड से काट लीजिए और उसको फिर किसी भी, अब जैसे एक पेंट बॉक्स है, ये पेंट का डब्बा था एशियन पेंट्स का, उसमें मैंने मिट्टी खाद डालकर ये डंडी, ये जो है स्टेम कटिंग लगाई थी, और देखिए ये अब 3 महीने के अंदर इसमें पत्ते आ गए। इसके साथ हम एक और चीज़ करते हैं कि इसके साथ में कुछ कंपेनियन प्लांट्स लगाता हूँ। इसमें मैंने कुछ चाइनीज़ बैम्बू के प्लांट्स लगाए हुए हैं ताकि जो रूट्स को कंपनी मिलती है, ये अकेला नहीं पड़ता, इसमें कुछ कंपेनियन प्लांट्स हैं। इससे पहले इसके अंदर कुछ ग्राउंड कवर के छोटे छोटे क्रीपर्स भी लगाए हुए थे, वो अभी अभी मैंने निकाले हैं। और आप कोई भी बाल्टी, खाली बाल्टी, उसके अंदर मिट्टी वगैरह डाल के, या कोई प्लास्टिक का कंटेनर, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं गमले खरीद लीजिए और उसके अंदर आप ये स्टेम कटिंग। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो आप बैनियन की कटिंग करेंगे उसमें देखिएगा बहुत पुरानी लकड़ी भी ना हो, बस उस तरह की यंग वुडेड पार्ट हो, यंग लकड़ी का पार्ट हो, कि जिसके ऊपर अच्छी बहुत सारी नोड्स हों, और उसके अंदर बेस्ट होता है जो मैं सिलेक्ट करता हूँ, जिसके ऊपर से बिल्कुल जो एज है उसका जो टॉप है, जैसे अब आपने यहाँ से कटिंग की तो यहाँ पे नए कोपले आ रहे हों, नए इसमें पत्ते आ रहे हों, है ना, न्यू लीव्स आ रही हों, छोटे छोटे रेड लीव्स आ रही हों इसके अंदर, तो वो वाला जो पार्ट होता है अगर उसकी आप कटिंग करते हैं तो उसमें तो बहुत ही क्विक आपकी रूटिंग भी होती है और बहुत क्विक उसका लीफ का जो है कैनोपी भी आने शुरू हो जाती है। तो ये मैंने 3 महीने पहले लगाया था और अब बहुत बढ़िया इसका अंदर जड़ जम गई है, बहुत बढ़िया हेल्दी प्लांट हो गया है। सो द बेस्ट वे टू प्लांट अ बैनियन ट्री इज थ्रू स्टेम कटिंग, नंबर वन। नंबर टू, इट शुड नॉट बी 1.5 feet, 2 feet, जस्ट टेक द साइज ऑफ अ पेंसिल, द थिकनेस ऑफ अ पेंसिल, एंड इट शुड नॉट बी वेरी ओल्ड, एंड इट शुड नॉट बी एब्सोल्युटली ग्रीन। अगर वो जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, सिर्फ ग्रीन स्टेम है, उसको काट के लगाएंगे वो नहीं लगेगा, इट्स टू यंग। तो और उसके अंदर नोड्स होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें से रूट्स निकलते हैं, जिसके अंदर जो सॉइल के नीचे नोड्स चल जाते हैं वहाँ से रूटिंग भी होती है, और जो सॉइल के ऊपर होते हैं वहाँ से लीव्स भी निकलते हैं, ठीक है। सो बस इन चीज़ों का ख्याल रखिए एंड यू कैन ग्रो अ लॉट ऑफ बैनियन ट्रीज। बैनियन ट्री इज़ अ नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, तो हम सब परिवारों को एक एक बड़ का वृक्ष तो ज़रूर लगाना चाहिए। हैप्पी प्लांटिंग।